इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। आगरा मोहब्बत की नगरी कहे जाने वाले दिन दहाड़े गोली चलती दिख रही है। एक तरफ यूपी सरकार बोलती है कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ दिन दहाड़े गोली मारने का वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना ताजगंज के अंतर्गत मेवाती नगला में एक व्यक्ति कपड़े की दुकान में घुसकर गोली मारता साफ नजर आ रहा है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि मैं सुबह 10 बजे अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था तो व्हाइट कलर की एक्टिवा पर दो व्यक्ति आते जिसमें एक व्यक्ति दुकान में घुसकर गोली मार रहा है। इसका साफ साफ वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि 20 दिन पहले धमकी देकर गया था। गोली मारने वाले व्यक्ति का नाम शाहरुख है जो पहले से ही हिस्ट्री शीटर है। इससे पहले वह क्राइम ब्रांच कुर्मी पर भी फायरिंग कर चुका है। आज दिनांक 17 मई 2024 को प्रातः करीब 10:30 बजे के लगभग एक सूचना मिली कि थाना ताजगंज क्षेत्र में नगला मेवाती क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। जिस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची जिसमें ये पता चला कि अमीन नाम के लड़के के पैर में एक गोली लगी है और उसके द्वारा ये बताया गया कि शाहरुख नाम के एक व्यक्ति ने जो नगला मेवाती का ही रहने वाला है उसके द्वारा यह गोली मारी गई है। घायल को तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वो खतरे से बाहर है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। परिजनों से तत्काल तहरीर प्राप्त कर और उसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी और जिस अभियुक्त ने गोली चलाई है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया और इसमें भी जल्द ही गिरफ्तारी कर। आमीन नाम है मेरा। क्या मामला है? मामला ये है कि पहले वो मेरे संग साथ बैठते थे वो लड़के मेरी दुकान पर आकर मुझसे चौदह वसूली मांगने लगे। जब चौदह वसूली मैंने नहीं दी मुझसे कह रहे कि फिर गोली मार देंगे। गोली फिर मैं अपने घर से कहीं आने जाने नहीं करता मेरी कपड़े की दुकान में भिगवाती निकले मैं तो दुकान पर ही आकर मुझे गोली मार गया। इससे पहले आपने कुछ शिकायत करी? हाँ करी थी। कोई कार्रवाई जिसने गोली मारी कौन व्यक्ति है? वो शाहरुख है। उसने पहले भी एक नवीद आलम है क्राइम ब्रांच में उनके अंदर गोली मारी है। कितने बजे का और कितने बजे घटना हुई? 10 बजे सुबह 10 बजे। कैसे हुई बताइए? वीडियो है मेरे पास। वजह ये थी कि एक्टिवा लेकर आया मेरे पास। मैं अपनी दुकान की साफ सफाई करके बैठा था और आकर मुझसे गाली गुप्ताली बकता है। गाली गुप्ताली बकने के बाद में धमकी देता है कि गोली मार दूं। इतने में उसने पिस्टल निकाली है और मेरे ऊपर चला दिया। मेरी डमी थी मेरे हाथ में। वीडियो है मेरे पास। दो फायर करें? नहीं पहले कभी झगड़ा नहीं। जी मेरे पास दुकान पर एक लड़ाई हो गई थी तो उसमें किसी ने मतलब उसको मारा था तो वो उसमें मतलब मैंने भी उसको गाली गुप्ताली दे दी थी। मेरी दुकान के सामने की बात थी तो उसने मतलब उसी चीज से मतलब रंजिश निकाली। गोली मारने अकेला है तो कोई व्यक्ति भी साथ में? दो लोग थे जिसने के मतलब बीजेपी के नेता एक अरुण मौर्य 2014 में उन्होंने गोली मारी थी बीजेपी के नेता में। एक में शाहरुख पगली नाम है उनका। वो अभी हाँ अभी छूट कर आए। दोनों शाहरुख हैं। एक शाहरुख पगली एक शाहरुख हिस्ट्री शीटर है वो ताजन थाने से। में थोड़ा इतना कलेश हुआ। कलेश होने के बाद में इससे ये कही इसने आमीन से मेरे बच्चे से शाहरुख ने कहने 20 दिन का टाइम दे रहा हूँ 20 दिन के बाद में तुम्हें गोली मार दूंगा ये उसने कही। वहाँ से थोड़ी सी दिमाग में हलचल सी हुई। उसके बाद में हमने सोचा यार चलो ये बार्गेनिंग देगा होगा वैसे ही और हकीकत आज उसने ये दिखा दिया। दुकान पे आया आने के बाद में लड़का दुकान पे आया आने के बाद में उसने गोली मारी। 20 दिन पहले आपको ये वार्निंग दी थी गोली मारने की? जी जी। शिकायत हमने पुलिस में भी करी, FIR तुम्हारे चौकी में भी करी, थाने भी करी, सब जगह कार्रवाई। इसके लिए नहीं जुआ मतलब इसके पास में कोई दबस नहीं डाली, कोई कहना सुना नहीं करा। इसने पहले पुलिस में भी गोली मारी हुई है। इसने लड़के ने शाहरुख ने पुलिस में भी गोली मारी हुई है। ऐसी क्या वजह रही है जो कि आपके लड़के पे गोली मारने की पहले चेतावनी दी गई थी? इनका कोई इनका कोई मैटर होगा हमारी नॉलेज में नहीं आया अभी तक। ने उसमें जो चेतावनी दी है वो इसी के कारण रमजान में
मतलब जी गया अख्तियारी लेन के ने तो रास्ता में घेर लिया, तो जी कहने लगा मैं तो जान से मार दूंगा 20वीं रमजान को। वो हम ले तलाली करते चले आए, आज दुकान खोली सवेरे आके सवेरे पीछे से आके गोली मार दी इसने। किसने? रसारुक ने। किसके? क्या नाम? आमीन के। दुकान का ही है? दुकान कपड़े की है। कहाँ पर दुकान? जी रही दुकान बगली में। पहले लड़ाई से हो गई, पहले दुकान में बैठते ये दुकान की मना कर दी भाई, दुकान वाले ने कि दुकान पर मत बैठा रहा, मना कर दी। जी लेते खाते रहे, कभी 10 ले गए, कभी 5 ले गए, कभी 2 ले गए, वो मना कर दी। उससे रंजिश बांध ली। वो कहाँ रहता शाहरुख? वो नहीं रहता शाहरुख का जेरा, नहीं पे नाई की मंडी के रहने लगे हैं जो।